हे गाइस, बहुत दिनों के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा लामडिंग मेरे रूम से, क्योंकि मैं और भाई जा रहे अयोध्या। आज पहली बार मैं कॉलेज ड्रेस में शूट कर रही हूँ। बकवास सा, गंदा सा, गरीब वाला कॉलेज। शायद साथ थोड़ा सा कॉलेज का हमारा दर्शन भी करवा दूंगी अगर हो सके तो, मुझे शर्म नहीं आता। और अटेंडेंस कंपलसरी हो चुका है, अब चाहिए अभी जाना ही पड़ रहा है कॉलेज। और अपना महान बस्ता लेके, जिसमें एक बुक भी नहीं है, बस एक पेन है। और कॉलेज में इसलिए आ गई क्योंकि ट्रेन हमारा था 1 बजे, तो अटेंडेंस चाहिए इसलिए चली गई, अटेंडेंस दिया और जैसे थे जल्दी जल्दी भाग गई। और कॉलेज में हो रहा था सरस्वती पूजा का डेकोरेशन। रूम का हाल अभी ये होके रखा है, मैं अभी जल्दी जल्दी थोड़े बर्तन धो के रेडी होना हो जाता स्टार्ट। मैं चला गया नहाने, साढ़े 11 बजे तक हम भी अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल गए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं आस्था स्पेशल ट्रेन से और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इसलिए जल्दी बुला। तो स्टेशन पे हम लोग पहुँच ही गए और बाकी जितने भी लोग थे आ ही रहे। आज जिस ट्रेन पे हम जाने वाले हैं स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से अयोध्या के लिए बना है, पूरा बैनर वैनर लगा के सबको वेलकम कर रहे हैं। पता नहीं कुछ रिचुअल्स या फैसिलिटीज कुछ करेंगे। हम लामडिंग से मिनिमम 50 लोग जा रहे थे अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन से, और सबको ये रुद्राक्ष का माला और आईडी कार्ड रिस्पेक्टफुली पहनाया और तिलक लगाया, सबको सम्मानित किया। और मेरे भी दोस्त सारे आ गए थे तो हम थोड़ा पागलपन कर ही रहे थे, क्योंकि पागलपन कंपल्सरी। इधर पे सब कर रहे थे फोटो सेशन, हम तीन को ज्यादा ही कर रहे हैं वो अलग बात। 1 बजे तक हमारा भी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर पर आ ही गए थे और हम सब भी राम नाम लेके रेडी थे अपने अपने सफर में जाने के लिए। जय श्री राम। इतना अच्छा सुविधा, उफ क्या ही बताऊं। इतना ये जो दिया है ना, मतलब टेडी बेयर से भी ज्यादा वो सॉफ्ट है, मेरे दिल की तरह। हाँ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब इतने कम पैसे में इतना अच्छा। उफ, रेडी फाइनली छोड़ दिया। ट्रेन में बैठते ही थोड़ी देर में ही हमारा लंच हमारे हाथ में थमा दिया गया। खाने का रिव्यू क्या देखिए, इतना टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। और आस्था स्पेशल ट्रेन की यही खासियत है कि वो हर स्टेशन में नहीं रुकेगा, कुछ कुछ सीमित स्टेशन पे रुकेगा। और लिटरली मैं अभी बाथरूम से आई, मतलब मुझे ड्रेस चेंज करना था, उसमें तो अनकम्फर्टेबल लग रहा था इधर इधर, तो ड्रेस चेंज करके आई और बाथरूम लिटरली इतना सुंदर था। और ये बोलते ही ये चेक करने चली गई, बाथरूम सुंदर है, ये भी चेक कर। बाथरूम बहुत ज्यादा सुंदर है हमारे फेस से भी ज्यादा। और ये ट्रेन जो है इतना साफ सुथरा, हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर गंदा हो गया आके साफ कर देते, बाथरूम हो, सीट हो, फर्श हो, जो भी हो सब। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5, मतलब 5 बज ही रहे और 20 मिनट हुए गुवाहाटी पहुंचे। इधर थोड़ी देर तक रुकाया और खाने के लिए इतना कुछ स्नैक वगैरह दे रहे थे और हम भी उतर के कुछ एक्स्ट्रा खाना ले लिया, क्योंकि भूख तो लग गई फिर से, राक्षस इतना बने रहे पागल की तरह। और अभी आ रही बहुत ज्यादा नींद। और आस्था स्पेशल ट्रेन की जो बुकिंग है वो IRCTCI में नहीं हो रही बुकिंग, उसके लिए आपको बुकिंग एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा और कांटेक्ट करने पर ही उधर आपको मिलेगा। जय श्री राम। आस्था स्पेशल ट्रेन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है ताकि दुनिया के हर भक्त अयोध्या में जाके हमारे राम लल्ला के दर्शन कर पाए, और उनमें से एक हम भी थे जिन्हें दर्शन करना था हमारे राम। इस ट्रेन में आप जब भी बुकिंग करते हो आपका आने का और जाने का खर्चा दोनों साथ में ले लेते हैं, और आपके आने के और जाने के ट्रेन का नंबर सेम ही रहेगा और वो भी सेम सीट के साथ। और आपको जो आईडी कार्ड दिया गया है उसमें सब लिखा हुआ होता है, और उस आईडी कार्ड के बिना वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप बिना आईडी कार्ड के अगर ट्रेन के नीचे उतर गए तो RPF आपको फिर से चढ़ने नहीं देंगे, और बिना आईडी कार्ड वाले किसी भी लोग को ट्रेन में चढ़ने देंगे ही नहीं, चाहे वो फेरी वाले। और उस ट्रेन में चढ़ने के बाद आप दूसरे दिन ही पहुंच जाते हो अयोध्या, और आपको एक दिन का प्रॉपर टाइम दिया जाता है उधर पूरा घूमने के लिए, और घूम फिर के आपको एक फिक्स टाइम देते हैं कि इस टाइम में आपको ये ट्रेन फिर से पकड़ना है और आपको लेके फिर से ये आप
के जगह पे छोड़ दिया जाए। और इस ट्रेन में ऑनवर्ड कैटरिंग की सर्विस भी पूरा बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। और आस्था स्पेशल ट्रेन में गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली मेंटेन किया है कि बाकी स्पेशल ट्रेन जैसे बहुत देर तक डिले कर देते, ये ट्रेन डिले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम एक बार में 1400 या फिर 1000, और अगर ये ट्रेन डिले हो गया तो स्टेशन में बहुत भीड़ जम जाएगा और सबको प्रॉब्लम। और ये रहा हमारा डिनर, मारने में बिजी महारानी। शाम 7 बजे हम कर रहे हैं डिनर, खाना सबका खत्म, और फाइनली भूत वाला शक्ल लेके सब सब, मतलब ये वाइट वाइट वाला, रात में अगर नींद भी खुल गया ना देख के अपने आप ही डर जाएंगे। और ये लड़की कुकी। तो मैं भी 8 बजे सो जाती हूँ, मतलब मोबाइल चलाऊंगी अभी, तो आज के लिए तो गुड नाइट गाइस। गाइस मुक्त था टीना रानी, गाइस गुड मॉर्निंग। अरे 5 बजे ये हरकत चल रही, ये खुद उठ गए। यहाँ पे हम सुबह सुबह, हम ठंडियों के मारे बर्फ बन चुका है हमारा, और ये लोग देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, और शेमलेस आस, शेमलेस आस, आल्सो शी। वहाँ पे पता नहीं बिहार में आके मरेंगे फाइनली गाइस। आप ये टेस्टी टेस्टी चाय पिलाएंगे, टेस्टी नहीं हुआ तो भूख लगा है, खाना दे दो हम लोग को। ये इसका भूख कभी खत्म ही नहीं होता, इसका भूख कभी खत्म ही नहीं। ये रहा मेरा टूटा हुआ दिल, उसका तोड़ भी टूट गया है, दिल जुड़ गया अभी वो, ए बड़ा हो गया मेरा दिल अभी। मेरा दिल बड़ा हो गया। सुबह अभी कितना बजे टाइम, 8:23 हो रहा है। अभी मेरा ब्रेकफास्ट, अभी बरौली क्रॉस किया और वहाँ पे हो गया बारिश स्टार्ट। हमसे लगा आपको ज्यादा ही होगा, देखो हम दोनों को 4 दे दिया। मैं ये खा के खत्म नहीं कर सकती, ये क्या खा, लेकिन सर्विस पूरा A1। फैशन शो, मेरे लाइफ में ये पहली बार मैं आउट ऑफ असम जा रही हूँ, और एंजॉय तो बहुत कर रही हूँ। आप जिंदगी में कभी आए तो नहीं है, अभी घूम ले तो इस बार लेकर 3 बार। मैं तो नहीं आई ना, गोरखपुर स्टेशन, मतलब जो बिहार के साइड में पड़ता है, मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ 6 बजे डिनर कम्प्लीट, हाँ 6 बजे डिनर कम्प्लीट, अभी 8:30 बजे हम लोग निकल वाले हैं। फिर से सबका बैग चल रहा है अभी, सबका सब अपने अपने सामान अभी ढूंढने में लगे हम। श्री राम बोल दो, लास्ट जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली पहुंच गए कत्ता, जहाँ वाला स्टॉप हमारा, कितने सारे लोग आए हैं सब अयोध्या जाने के लिए। तो कतरा स्टेशन में उतरे हैं अभी, बैठे बस में, अभी बस से फिर से लेके जा, सब अलग अलग हो चुके हैं, पता नहीं कौन कहाँ पे चल रहा, और बस इतने सारे लोग जा ही रहे इधर, कम से कम 8 से 15, 20 से पता नहीं, मुझे तो इतने ही बस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बस हैं। कौन से रास्ते से घुमा के लेके जा रहे हैं आई डोंट नो, यहाँ से या बस में। ओ भाई कितने सारे टन लगे, ओ शेष, ओ गाइस आगे कमर की बैंड बजी, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, और कोहरा देख रहे हैं, इतना ज्यादा ठंडी से नहीं ले, बहुत ज्यादा कोहरा है। फिर मैं सब खो गए, हम 3-4 एक साथ है, बाकी पता नहीं आए थे 15-20-25 है, कहाँ गए सब, मिल भी नहीं रहे।
पहली बात तो इतना कोहरा है या धूल है या फिर स्मोक है, पता नहीं जो भी है कुछ तो है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। देखो बस लाइट कुछ कुछ दिखाई दे रहा है और टेंट में तो पहुंच रहे हो, सब दौड़ दौड़ के जा रहे, पता नहीं कहाँ से जा रहे कैसे जा रहे, और इतना दूर चल करना पड़ा, सांस फूल रहे है। इतना पास से भी नहीं दिखाई दे रहा है सच्ची में। रूम में तो पहुंच गए यार, बेड के लिए इतना संघर्ष, बेड नहीं मिला, आखिरकार एक मिल गया। बहुत स्ट्रगल कर लिया गाइस, बहुत स्ट्रगल ये टेंट ढूंढने में, आखिरकार मिल गया। परेड लगा के आए अभी हम लोग, परेड अभी बोलने के मूड में नहीं, छोड़ो। लड़कों का एक साइड बना दिया टेंट, लड़कियों का एक साइड, और सब में इतना भीड़ है। हर हम इधर पहुंचे थे 8:30 बजे के आसपास ही, 8:30 पौने 9 इतने ही, सोते सोते हमें अभी बज रहे 11। टेंट ढूंढ रहे थे, हमारे लोग ढूंढ रहे थे, सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो गए, हम 3-4 लोग ही थे साथ में, तो वही पर है। और फिर से लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, मेरे कपड़े सब थे मेरे ट्रॉली में जो मेरे भाई के पास था, भाई पता नहीं कहाँ चला गया, मैं पता नहीं कहाँ आ गया, फिर से ढूंढ ढूंढ कर। इधर नेटवर्क सच में लिटरली इतना भी नेटवर्क नहीं मिला, नेटवर्क दिखा रहा है लेकिन किसी का फोन नहीं जा रहा। और इधर कम से कम 7,000-8,000 से भी ज्यादा लोग होंगे मेरे हिसाब से, और इतना धुआं, कोहरा या धुआं है या स्मोक है पता नहीं, कुछ भी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे नहीं रहा। तो कल सुबह उठ के देखते दिन कैसा रहता है, सुबह सुबह नहाना पड़ेगा। और बाथरूम वगैरह जो दिया है सच में तो छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से ऐसे ऐसे घूम भी नहीं सकेंगे। तो सबका प्लान है कि अब इतने सारे लोग हैं तो नहाने के लिए बड़ा भीड़ तो जमने वाला ही है। सुबह हम लोग 3 बजे उठ के नहाने वाले हैं, इतने ठंडी में 3 बजे लिटरली। राम राम हे भगवान, कृपा कृपा। और ऊपर से इधर बारिश हुई इतना की चरे, हम मैंने पहन के आई वाच होता है खत्म। चलो गाइस गुड नाइट, मैं जल्दी सोने एक बार सुबह उठ के करती हूँ वीडियो कंटिन्यू। रात के सुबह के पता नहीं किसके अढ़ाई बज रहे, अभी नींद अभी भी कोहरा खत्म ही नहीं है, हम अभी भी व्यू देख ही नहीं पा रहे, और ऊपर से कीचड़, उफ कीचड़ देख रहे हो, कीचड़ देख रहे हो, कीचड़ देख रहे हो। अभी सबसे पहले जाएंगे बाथरूम चेक करेंगे उधर बाथरूम में भीड़ भीड़ है या नहीं है, क्योंकि नहाना भी है और पर जल्दी जल्दी नहा पे बहुत सारे लोग हैं। 3:30 बज रहे, नहा के आके फिर से ही पहन लिया, क्योंकि इतने जल्दी अगर ड्रेस पहनेंगे तो जो मैं चुलुक मुलुक ड्रेस लाई हूँ, कहा चुलुक मुलुक ड्रेस में, ये अभी पहन लायक नहीं है। और मोबाइल चार्ज बिल्कुल नहीं है, मैं पता नहीं ब्लॉग कर पाऊँगी या नहीं। और अभी चार्ज देने के लिए वो जो पूरा एकदम हॉल वाला टेंट है उसमें जाना पड़ेगा, उसमें पूरा चार्ज वाला लगा हुआ है। तो अभी मैं नहा के आ गई, ये भी नहा के आ गई, दीपिका नहाने गई है वो भी आएगी तो जाएंगे मोबाइल चार्ज करने। और मैं इधर छपरी बन के बैठी हूँ, मेरा हाथ छोटा पड़ गया इसके लिए, लेकिन कोई ना मैं पहनूंगी। और मेरा मंगलसूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, आईडी कार्ड, वो उसके बिना कहीं जाना आना अलाउ नहीं इधर। मोबाइल चार्ज करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है, संघर्ष पूरा इधर एक उधर एक, और ये पूरा लड़कियों का है। तो गाइस उसके बाद डायलॉग भी आप भूल गए, ओ क्या चिकी-मिकी कर रहे, चिकी-मिकी चिकी-मिकी क्या था। मैं तो हो गई रेडी, और सुबह कितने बजे नहाया था, 3 बजे शायद से नहाया था, नहा के अभी बज रहे कितने बज रहे, 5:20 को मुना 20। और देखो इसका चेहरा दिखा रही है। तो रेडी हम सब हो गए हैं और अभी निकलने वाले, बैग संभाल के रखना है, ये रहा आउटलुक, क्या ही दिखाओ, मेरा मंगलसूत्र, मंगलसूत्र इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कहीं भी अलाउ नहीं। सब सब तो रेडी हो चुके हैं, ये जैकेट सबका स्टाइल खराब कर, क्या लग गया हर में जाए, दिखा आउटलुक दिखा, मेरा और उसका ड्रेस सेम है, कलर अलग है, वाइट 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 बस हमारा थोड़ा काला है यार। इस जगह पे कुछ खत्म हुआ ना, ये कोहरा कभी खत्म ही नहीं होता, देखो तो कल से रात से यही मौसम देख रही हूँ, अभी भी यही मौसम है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ये वाला पूरा लड़कों का शक्ल, हम भी निकल चुके सारे वाइट भूत। तो कल जिस जगह से हम लोग बस से उतरे थे, आज सुबह फिर से उसी जगह पे हमको बस के लिए खड़ा होना था, और उधर से सीधा बस आएगा और सबको मंदिर के लिए लेके जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो दूसरे स्टेट के आए हैं उनको
स्टेशन पहुंचा रहे, उसके बाद मंदिर लेके जाएंगे। बोलो एक्शन दिखा दिखा के बोलना भैया, बोलो हाँ बोलो तमिल में बोलो। मर्दानी अरे तो अरे वा में लगा वही मेहंदी पत्ता पीस के हाथ में लगाना। मणि दो महीना मणि मास नहीं जाएगा, मतलब दो मास नपल जाई बना। ओके मर्दानी ओके थैंक यू। डेढ़ घंटा वेट करने के बाद सुबह सुबह उठ के नहाने के बाद और इतना ठंडी है तो बोला भी नहीं जा रहा है, थोड़ी देर बाद बर्फ गिरने वाला है। पहला बस गया, अभी हम जाने वाले मंदिर। मुंबई लोकल पूरा सेफ, इतना कच कच के हम लोग बैठे हैं। हाय हाय, सच में किसी राज प्रसाद में आ गए ऐसे लग रहा है। सुंदर जगह है यार। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा करने के बाद हम सीधा निकल गए राम मंदिर के लिए, और वहाँ पे लिटरली इतना दूर था, दोनों इतने डिस्टेंस में थे, चलते चलते तो पैर दर्द हो गया। और वहाँ का सिक्योरिटी, सबसे पहले गेट में तो हमें हमारा लगेज चेक करवाना पड़ता है, तो हमारे पास ज़्यादा लगेज तो था नहीं, पर्स ही था, तो हम लोग बिना चेक कराए अंदर चले गए। उसके बाद ये एरिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मतलब एक तो कोहरे के लिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने अपने आंखों से जितना देखा है सच में इतना। गाइस अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, तो इधर हमें रखना पड़ेगा मोबाइल। आगे का वीडियो नहीं मिलेगा। नॉर्मली मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वीआईपी पास देके हम अंदर लेके जा सकते मोबाइल। तो हमारे साथ में एक और व्लॉग बनाने वाला भैया था, तो उनसे मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया क्योंकि वो लेके गए थे। के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर निकल के तो आ गए, लेकिन यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट चेक इन है, इतना स्ट्रिक्ट ज्यादा है, हम मोबाइल तो लेके जा ही नहीं पाए, और सब रख ले, कुछ भी नहीं था, सब रख ले, और निकलते ही फिर से मिल गया मोबाइल।
तैर भी सकते हैं। फिजिकल हेल्थ आपको पता ही है मेरा एकदम बेकार है। ऊपर से कूली बना दिया है शॉपिंग करते करते, ऊपर से मेरा भाई ले रहा है फिर से पता नहीं क्या अपना संसार जुटा रहा है। मैं भी ले रही हूँ, वो अकेला नहीं ले रहा है लेकिन चॉइस उसका हो रहा है पता नहीं क्यों। पेट खाली और चला नहीं जा रहा है, हमेशा कुछ खाते हैं पहले, अभी जो खाया उससे पेट तो भरा नहीं, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। फिलहाल तो खाने के लिए मेरे भाई की गाली मुझे पड़ रही है, कुत्ते की तरह भौंकने के अलावा और कुछ नहीं आता। और मैं इधर बक बक कर रही हूँ मोबाइल की तरफ देख के, सब जब पागल बोल रहे हैं बोलने दे। मैं सच में भिखारी की तरह बैठी हूँ किसी की दुकान के सामने, मेरा पैर काम नहीं कर रहा, बैठने की जगह नहीं। एक है ये महारानी बैठ गई इसलिए मैं भिखारी की तरह रास्ते में बैठ गई। अभी एक कटोरा लगा दे कोई, बस बोलेंगे चम्मक चलो भिखारी। बैग खरीद लिया और फाइनली कूली चेंज कर लिया, आराम से चलते रहो। भाव नहीं दिया मुझे, भाव नहीं दिया। आप लोगों का आइडिया है ये कब बना है? गाइस 200-300 साल पुराना घर है, देख लो राजमहल बोलते हैं, मूर्ति भी मिले, देखो कौन से देवता के मुझे पहचान में नहीं आ रहे। इसको देख के, घर को देख के मुझे बस एक ही थॉट आ रहा है, आमी जे तुमार शुदु जे तुमार। वो रहा चंद्रमुखी का दरवाजा, खोलेंगे तो भूश करके आएगा हमें खाने के लिए। सब चंद्रमुखी का दरवाजा है, इसमें तो ताला ही लगा हुआ है। बिहारी ये क्या है, क्रॉस मार्क बिहारी कनक, ओह सॉरी इधर भूत का नाम चंद्रमुखी नहीं है कनक है। देयर इज अ टेंपल और यहाँ पे एक्चुअली लोगों का घर भी है, इधर एक सुंदर सा एक मंदिर भी है हमारे प्यारे प्यारे। एक तो गोपाल है इतना पता चल रहा है, रामलाला है, बहुत सारे गोपाल प्यारे प्यारे से। यहाँ पे चंद्रमुखी का आना कोई चांस नहीं है, बहुत सारे लोग भी आगे से रहते हैं, वो बच्चे एक छुप छुप के देख रहा है। ये किसी का घर वर मतलब प्राइवेट नहीं है। यहाँ पे जो मंदिर है, लोग अगर भक्त आते हैं यहाँ पे डोनेट वगैरह करते हैं और अपने मर्जी से रहते हैं, कोई रेंट वेंट नहीं है और कोई पैसे वैसे नहीं लेते, बस आप थोड़ा सा अपने दिल के हिसाब से अपने मन से जो दान दे दो मंदिर में और जितने दिन चाहे आप इधर रह सकते हो। इसका कजन सेम चेहरा मिल रहा है, देखो गाइस सेम पूरा सेम, बस ये थोड़ा सा गोरा है, ये थोड़ा सा गोरा है, ये और भी कलवा है, कलवा ये लग, ये मुझे भी चाहिए भाई, ये मुझे करना है, ये बैठाएगा मुझे। ये जो महल है वो राजा दशरथ जी का महल था, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है उनके नाम का, और लेकिन यहाँ पे तो अभी फिलहाल मंदिर बना के रखा है और हम जिस टाइम पे गए थे वो बंद था, 2 बजे से ये खुलता है। फिर यहाँ से घूमने के बाद हम चले गए कनक भवन, और लिटरली कनक भवन जो है वो बहुत नाम कर है, बहुत फेमस है और वो इतना बड़ा था, और हमारा टाइमिंग इधर भी खराब है, ये भी बंद ही था तो बाहर से जितना घूम लिया। उसके बाद गए हम सिया नदी, और वो नदी में पूरा एकदम बोर्ड लगा के एकदम सुंदर से डेकोरेट करके रखा था, एकदम साफ सुथरा, और पर हेड 100 रुपये लेते हैं घुमाने के लिए, लेकिन हम चले नहीं, बस ऐसे देख के हम वहाँ से आ गए। तो घूमना हमारा हो गया खत्म, अब इकट्ठे निकल रहे हैं, और ये रहा मेन गेट से दूर आए, एक दो फोटो क्लिक करना तो पड़ता है। असली है या नकली? एक नाग दूसरे नागिन को पकड़ते हुए, मेरा फोटो खींच के शूट करो, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आइए भैया मंदिर ले आइए, मंदिर बोलो नहीं रख दो, बेचारा परेशान मत करो, रख दो रख दो। सुना हो गया हमारा खत्म, उससे जा गए हम, ठूसने इतना ठूस के हमारा पेट नहीं भरा और ठूसने दिखाई दे रहा है व्यू। सुबह देखो इसी जगह पे जब हम बस पकड़ने आए थे, और अभी देखो कितना क्लियर है, तभी क्यों नहीं आया यहाँ पे। मतलब ऐसा हो रहा है हर स्टेट से लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, अभी इतने सारे लोग गए गुजरात से, महाराष्ट्र से, आई बांग्लादेशी 10 मतलब 8 बजे निकल जाएंगी यहाँ से,
और अभी देखो फिर से कितने सारे राजस्थान से आए हैं लोग। देख लो ये वाला एरिया, रात में तो सुबह में दिखाई तो दिया नहीं, इतने कीचड़ में जाए थे, अभी तो सूख गया, इतना ही धूप, इतना गर्मी। यहाँ पे टोटल 500 से भी ज्यादा टेंट है, ये पूरा हॉल है, सब मिल कर रहते। और ये वाला सिंगल वाला है, सिंगल नहीं मतलब ग्रुप ग्रुप गाइस। यहाँ पे अभी ज्वालामुखी पूरा बरस रहा है, इतना ज्यादा इसका गर्मी आ रहा है, हम तो भागने वाले अभी हॉल में फैन के नीचे। ना मुंह धोया, ना पैर धोया, ना हाथ धोया, चले आ रहे ठूसने, क्योंकि पेट में तो मतलब चूहा दौड़ रहा है। चूहा मेरा हाथी दौड़ रहा है, ये तो खुद ही हाथी है, ये खुद ही दौड़ रही है। ये क्या है? ये है ना चूहे का बड़ा बड़ा भाई, की कर रहे चीका चीका चिक 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 करता है। खाना है इधर, सारे टेंट सेम 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 सेम, भूल भूल कल खोल के आना पड़ा, लेकिन आराम मिल रहा है पैरों को। और ये हो रहा है खाना, जगह कितना बड़ा है, कल तो मैंने रातों खाया नहीं, अभी खा रही हूँ। टाइम हो रहा है इतना सब सब पहले हुए हैं, जिसको जिधर सीट मिला, और हमें जो टेंट मिला था लिटरली वो इतना ज्वालामुखी जैसा हीट निकल रहा है, थोड़ा के आँखों में बैठ गए, जिसको जहाँ जगह मिला था उधर ही बैठ गए। आखिर में फैन चलाना ही पड़ा, हम इनको कल बोले तो उल्लू की तरह फैन चला, फैन क्यों लग रहा है ठंडी में, नहीं पागला भी। कल शाम तक क्या मौसम था, अभी देखो कितना सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा सा मौसम है, बिल्कुल इधर देख इस पांडा की तरह। अभी 5:30-6 बजे रहे, हम भी 7 बजे निकल जाएंगे, ट्रेन है 11 बजे या 11:30 बजे, पता नहीं कितने बजे, और हम निकल जा रहे यहाँ से 6:30-7 बजे। और हमें खाना भी नहीं मिला है, मतलब आज नसीब में डिनर नहीं होगा हमारा, ये भूखकर कैसे रहेगी डिनर के बिना, पता नहीं बहुत ज्यादा भूख। क्या खाए? और इधर आसपास दुकान भी नहीं है कि हम कुछ खरीद पाए, स्टेशन में भी कुछ नहीं है, भूतिया स्टेशन। घर का खाना हमारा हजम हो गया, और रात का खाना भी दिया नहीं है, हमारे पेट में भूखे शेर दौड़ रहे हैं, अभी जो भी मिलेगा ठूस लेंगे। अंधेरे में निकले हैं दोनों तो एक्सप्लोरर की तरह खाना ढूंढने, जो मिले खा लो बस। 3 लंगूर पहले भाग चुके हैं, 3 बंदरिया भी जा रही है उछल उछल के, कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा क्योंकि अंधेरे में फ्लैश जाने की हिम्मत नहीं है। एक घंटे से इनके दुकान का जितना भी आइटम है आधा हमने मतलब खा लिया, खत्म, मतलब बैठ के बस खा ही रहे ऊपर से पैक और भी पैक हो रहा है। स्टेशन में आते ही हमें यहाँ पे बैठा दिया, सबको भाषण सुना रहे जो RPF पुलिस सब मिलके, लेकिन हम तो खाना ढूंढने निकल गए, तो क्या बोला हमें कुछ सुना नहीं, तो खाना वाना खा के आके फिर से वही आके बैठ गए, क्योंकि ट्रेन तो था 11:30 बजे तो और आधा घंटा ही बैठना था हमें, तो फाइनली ट्रेन पे चढ़ी गए। और यहाँ पे हमारा खाना ही ख़त्म नहीं होता, और वीडियो इससे ज़्यादा और मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, फिर से वही सेम चीज़ रिपीट होगा, और इतना एनर्जी नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। और ये रहा ट्रेन का हमारा लास्ट लंच, कल सुबह 6 बजे हम लोग निकलने वाले यहाँ से, और आखिरी बार टेस्टी खाने को बाय बाय विद दिस पागल चुड़ैल, पता नहीं और भूल गई गाली, ये चोरी किया है हमने वैसे। फाइनली 6:30 बजे लवरिंग में पहुंच गए हैं।
बाद में बोलती हूँ, अभी फिलहाल बहुत भीड़ है, काउंट वाउंट करना है फॉर्मेलिटीज। अभी हम इस ट्रेन से उतर के अभी इस पे चढ़ने वाले हैं धनसी जाने के लिए। तो गाइस फाइनली हम भी आ गए अपने घर, अभी धनसरी में, लामनिंग में रुके नहीं। तो अभी देती हूँ थोड़ा बहुत डिटेल्स। हम ट्रेन में चढ़े 13 को दोपहर 1 बजे और वहाँ पहुँचे अयोध्या, अयोध्या नहीं मतलब अयोध्या ही पहुँचे 14:30 बजे। मतलब हमारा कम से कम 32-34 अराउंड ऐसे ही कुछ आवर्स लगे पहुँचने में। और फिर 14 को तो रात में घूमने निकले नहीं, तो रात में ऐसे वेस्ट कर लिया। और सुबह 15 को निकले और 15 को दोपहर या शाम को, जब भी जितना मतलब घूमना है सबको एक दिन तक ही रखता है, और एक दिन में निकल गए वहाँ से फिर से। और फिर से 15:08 बजे स्टेशन के लिए निकले, ट्रेन 10:30 बजे 11 बजे था। और आज है 16 पूरा ट्रेन में, और 17 सुबह 6 बजे फिर से हमें लामनिंग उतार दिया। धनसरी आने वाला ट्रेन भी 7:15 को था, तो सीधा आ गए धनसरी, ट्रेन भी मिल गया तो लामनिंग में रुकना नहीं पड़ा। तो बस यही था जानकारी जो आपको दे दिया। सो दैट इज द इन फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और मेरा वीडियो देख के अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिले या फिर हेल्प हो कुछ अयोध्या ट्रिप के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सारे आसाम वालों को पता लग जाए ये आस्था स्पेशल वाले ट्रेन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।